आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं काजल शाह, आज मैं आप सभी के सामने लाइफ साइंस के एक बहुत ज़रूरी टॉपिक लेके आई हूँ, वो है आपका कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में हम सेल कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, एक अगर हमें मोती का हार बनाना हो तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? मोती चाहिए, तभी वो हार बन के तैयार होगा, होगा कि नहीं? ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कोशिका का, तो कोशिका का मतलब होता है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, मतलब कि हमारा जो शरीर है, वो भी किससे मिलकर बना है? बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है। उसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जिस प्रकार मोती के बिना एक माला नहीं बन सकता, ठीक उसी प्रकार कोशिका के बिना हमारा शरीर नहीं बन सकता है। तो कोशिका को इंग्लिश में हम सेल कहेंगे, तो कोशिका आपको समझ में आया होगा। अगर हम बात करते हैं कोशिका, तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? ये एक सूक्ष्मदर्शी होता है। सूक्ष्मदर्शी कहने का मतलब ये है कि आप इसे खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे, जैसे कि ये जो मेरा हाथ है, इन सभी में कोशिकाओं की उपस्थिति है। अगर यहाँ पे अगर हम मारते हैं बॉडी के कोई भी पार्ट में, तो वहाँ से कोशिका की मृत्यु हो जाती, फिर वो पूर्ण चक्रण के बाद फिर से उसका निर्माण होता है। कोशिका के आपके कुल दो प्रकार होते हैं। पहला आप बोल सकते हैं एक कोशिके, इसको प्रकार नहीं बोल सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि हाँ, कोशिका दो प्रकार के पाए जा सकते हैं, और एक होते हैं बहुकोशिके, बहुकोशिका भी कह सकते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका कहने का मतलब क्या है। जैसे कि एक कोशिके का मतलब होता है जिसका निर्माण, ऐसे जीव जंतु जिसका निर्माण केवल एक कोशिका से ही हुआ है, जैसे कि अमीबा। अमीबा एक ऐसा जंतु है जिसका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना है, जिसके कारण वो अपना हर एक कार्य एक ही कोशिका के माध्यम से करता है। बहुकोशिका कहने का मतलब क्या है? जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हो, जैसे कि आपका हो गया मनुष्य, हाथी, बाघ, तो इसे हम कह सकते हैं बहुकोशिकाएं। तो आपको ये याद रखना है कि कोशिका क्या है, कोशिका कितने, कोशिका क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी होता है। और एक और बात, कोशिका जीवों की रचनात्मक इकाई होती है। कोशिका जीव की रचनात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने देखा। तो आप सभी के सामने मेरी छोटी सी भाषण प्रस्तुति, आप सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।